बीसीसीआई की तरफ से अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल का आईपीएल मॉनसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में होने वाला है। लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होता है तो इस साल के अंत में होने वाली आईपीएल की नीलामी मुश्किल में फंस सकती है, और सितंबर में आईपीएल होने के कारण नीलामी में भी 5 महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ सकते हैं खिलाड़ियों को लेकर, टीमों को लेकर। क्या बदलाव फिर नीलामी में हो सकते हैं ये बताएंगे आज इस वीडियो में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमारे इन 3 भाइयों ने सही जवाब दिया था सवाल का, इनके आप नाम इनकी कमेंट आप देख पा रहे होंगे। आप भी दोस्तों इस वीडियो में सही जवाब दीजिए, इस वीडियो के दौरान सवाल पूछा जाएगा, अगर आप सही जवाब देते हैं तो अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें दोस्तों। आप भी एमसीबी रेड फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों नीलामी में बदलाव करना पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होने का क्या प्रभाव पड़ेगा इस साल के अंत में होने वाली आईपीएल नीलामी में। दरअसल दोस्तों जब नॉर्मल कंडीशंस होती थी, जब अप्रैल मई में आईपीएल होता था, तो अप्रैल और मई के बाद लगभग 7 से 8 महीने का समय टीमों को अपने आप को एनालिसिस करने के लिए मिलता था। डोमेस्टिक क्रिकेट होता था उस बीच में, तो उसको देखने के लिए मिलता था। दुनिया भर में क्रिकेटर्स के फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए टीमें अपना टाइम गवाती थी, और उसके बाद 8 महीने बाद साल के अंत तक अगले साल के आईपीएल के लिए आईपीएल की नीलामी होती थी। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि अब सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होगा और उसके तुरंत बाद आईपीएल की नीलामी आपको करानी पड़ेगी अगले आईपीएल के लिए। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि टीमों के पास डोमेस्टिक क्रिकेट देखने का समय नहीं होगा, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट होगा ही नहीं इस बीच, दुनिया के क्रिकेट को समझने का, एनालिसिस करने का समय नहीं होगा, और नए खिलाड़ियों की स्काउटिंग करने का, नए खिलाड़ियों को ढूंढने का समय नहीं होगा, इन द सेंस कि नए प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे जिन पर नीलामी में बोली लगाई जा सके, जिन पर नीलामी में एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखा जा सके, और ऐसी स्थिति में नीलामी में बदलाव करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों 5 कौन से बड़े बदलाव होंगे जिससे नीलामी अच्छे से हो पाएगी। अगर हम नीलामी की तारीखों की बात करें तो दिसंबर या जनवरी में नीलामी होगी। पहला बदलाव दोस्तों ये होगा कि 30 मेंबर की स्क्वाड अब टीमें बना पाएंगी, और 10 विदेशी खिलाड़ी हर स्क्वाड में सेलेक्ट किए जा सकते हैं। आज की परिस्थिति में दोस्तों यह है कि 25 मेंबर्स की स्क्वाड टीमें बना सकती है, 25 टोटल प्लेयर्स होने चाहिए, जिनमें से 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये संख्या को बढ़ाया जा सकता है, और इसका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सॉलिड रीजन है। अब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होगा, अगर प्लेयर्स ज्यादा नहीं होंगे, अगर प्लेयर्स के फॉर्म का, प्लेयर्स का एनालिसिस नहीं होगा, ऐसी स्थिति में टीमों को ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि अगर कोई खिलाड़ी फ्लॉप हो जाए तो एक बैकअप खिलाड़ी स्क्वाड में बैठा हो, ताकि टीमों ये जो क्रंच आया है इससे निपट चुके, इससे क्रॉसओवर कर सके टीमें, और इसीलिए टीमों को ज्यादा खिलाड़ियों को खरीदने की इजाजत होगी। हो सकता है ऑक्शन पर्स भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, इस समय 80 करोड़ के समथिंग का है, हो सकता है 90 करोड़ या 100 करोड़ या उससे ज्यादा का भी हो जाए, तो ये चीज होने वाली है फॉर श्योर कि खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। विदेशी खिलाड़ी अभी 8 आते हैं, 10 विदेशी खिलाड़ियों को एंट्री मिल सकती है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों को एनालिसिस करना और मुश्किल है। विदेशी खिलाड़ियों को एनालिसिस करने के लिए आपको विदेशी लीग्स, विदेशों का बायलैटरल क्रिकेट देखना पड़ता है, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये पहला बड़ा बदलाव हमारे हिसाब से हो सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव जो कि हो सकता है वो ये है कि कोई भी मेगा ऑक्शन नहीं होगा, बड़ी नीलामी नहीं होगी। ये भी बहुत हद तक कहा जा रहा है दोस्तों कि बड़ी नीलामी नहीं होगी, और इस साल पहले ये तय किया गया था कि मेगा ऑक्शन रखा जाए, सारे प्लेयर्स को टीमों से निकाल दिया जाए, रिलीज किया जाए, हर टीम सिर्फ 3-3, 4-4 प्लेयर्स रिटेन करें और बाकी के प्लेयर्स नीलामी में चले जाएं, और हर टीम के पास मौका हो कि सब पर बोली लगे और नई नई टीमें, मतलब हर टीम नए नए खिलाड़ियों से सज सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्रंच आया ना, इसके चलते टीमों को अपना कोर मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ 10-12-15 खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा, इसलिए टीमें मेगा ऑक्शन की तरफ नहीं जाएंगी। हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल मेगा ऑक्शन हो, हालांकि कई टीमें विरोध कर सकती है। पंजाब की टीम लगातार कह रही है कि एक मेगा ऑक्शन होना चाहिए, तो राजस्थान की भी टीम है, तो कई टीमें विरोध कर सकती है। पर आज की परिस्थिति में जिस तरह की स्थिति है, अगर सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होता है तो दूसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि मेगा ऑक्शन ना हो। तीसरा बड़ा बदलाव दोस्तों जो हो सकता है अगर सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होता है, वो यह है कि कोई भी 9वीं और 10वीं टीम के बारे में बात ना हो। हमने आपको पिछले साल ही बताया था, यही समय था, बताया था आपको कि लंदन में मीटिंग हुई है और ये फैसला हुआ है कि आईपीएल में अब
नौवीं और दसवीं टीम मतलब दो टीमें और बढ़ाई जाए, लेकिन अब इस पर फैसला टल सकता है। इस साल दो टीमें नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि पहले से ही प्लेयर्स की कमी है। अब आप मेगा ऑक्शन में सारे खिलाड़ियों को डालेंगे, आपको दो टीमों के लिए लगभग नए 40-50 खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो दोनों टीमों में जाकर खेलेंगे। अब इन 40-50 खिलाड़ियों को ढूंढने के लिए, स्काउट करने के लिए आपको कुछ तो होना चाहिए, क्रिकेट तो खेला जाना चाहिए ना इस बीच। अगर क्रिकेट ही नहीं होगा तो नए खिलाड़ी स्काउट ही नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में 9th और 10th टीम के लिए मतलब ओवरऑल आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की कमी हो सकती है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, आईपीएल में हमेशा टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई टॉप से नीचे होता है ना विदेशी तो उसको तो खरीदती ही नहीं है टीमें। ये एक बड़ा मसला हो सकता है और जितने भी हमने डोमेस्टिक खिलाड़ी है इवन सारे बिक चुके हैं इस समय। अब नया लाने के लिए आपको और डोमेस्टिक क्रिकेट देखना पड़ेगा जो कि होगा नहीं, और इसीलिए 9वीं और 10वीं टीम के अभी एंट्री के चांसेस कम है। चौथा बदलाव बताने से पहले दोस्तों आप पूछ लेते हैं आज इस वीडियो का सवाल। दोस्तों आज इस वीडियो का सवाल यह है कि आईपीएल नीलामी में हमने देखा है और पिछले 5 सालों से देखा है कि भारतीयों के कंपैरिजन में विदेशी खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसा बरसा है। भारतीय खिलाड़ी अगर हम टॉप ले लें तो उन पर तो पैसा मिला ही है, लेकिन कई सारे हमने विदेशी खिलाड़ी देखे कि वहां के डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर भी टीमों ने बहुत पैसा बरसाया है। क्यों नीलामी में विदेशी प्लेयर्स को अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और क्यों विदेशी खिलाड़ियों पर बहुत बहुत ज्यादा पैसा लुटाया जाता है एज कंपेरेटिवली भारत के छोटे खिलाड़ियों से? तो ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में, जो सबसे सही और सटीक जवाब देगा उसे हम पिन करेंगे, अगली वीडियो में दिखाएंगे, तो फटाफट कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे बदलाव की। तो चौथा बदलाव ये हो सकता है कि बहुत कम खिलाड़ी बिकेंगे, देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ प्लेयर गोइंग टू बी सोल्ड, और इसका एक रीजन है खिलाड़ी होंगे ही नहीं तो बिकेंगे क्या? अगर खिलाड़ी नहीं होंगे तो टीमें अपनी टीम में से खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेंगी, टीमें डरेंगी कि यार इस खिलाड़ी को बाहर कर दिया तो इसकी रिप्लेसमेंट क्या है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो हो ही नहीं रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो हो ही नहीं रहा है, बायलैटरल सीरीज तो इस बीच हुई ही नहीं है पिछले आईपीएल से, तो यही एक चीज है। और इसको लेकर भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है कि ज्यादा खिलाड़ी बिके ही ना। पांचवा बड़ा बदलाव दोस्तों ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। हमने इस साल देखा बड़े बड़े प्लेयर्स ट्रेड हुए, अश्विन ट्रेड हुए, अजिंक्य रहाणे ट्रेड हुए, पिछले साल मतलब इस साल से एक साल पहले शिखर धवन भी ट्रेड हुए थे, लेकिन अब बड़े प्लेयर्स इस साल तो कम से कम ट्रेड नहीं होंगे। और रीजन यही है प्लेयर्स का क्रंच है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होगा तो नए खिलाड़ी नहीं होंगे, नए खिलाड़ी नहीं होंगे तो जो पहले से ही प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्हें ट्रेड करना नहीं चाहेंगी टीमें, उन्हें दूसरी टीमों में नहीं भेजना चाहेंगी। ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग की प्रोसेस पर सवाल उठेगा और बहुत कम खिलाड़ी ही ट्रेड होंगे नीलामी से पहले। तो ये 5 बड़े बदलाव है, चेंजेस है, नियमों में बदलाव है, कंडीशंस में बदलाव है जो आईपीएल की नीलामी में हमें देखने को मिल सकते हैं अगर सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होता है जो कि होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिए, आपके हिसाब से नीलामी में क्या बदलाव होंगे ये भी बताइए। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। और एक और आपके लिए मैसेज है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, अनलॉक सीजन में हम जा रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है। जब मार्च में कोरोना वायरस लगा था उससे खतरनाक स्थिति आज, तो आपको क्या करना है, बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो भी सरकार कह रही है वो करिए, मास्क पहनिए और सतर्क हो जाइए क्योंकि अब सतर्क होने का समय है। कोरोना बढ़ रहा है, भले ही दुनिया खुल रही है, लॉकडाउन खुल रहा है, पर कोरोना बढ़ रहा है, तो सतर्कता यहाँ पर जरूरी है, सतर्क जरूर रहिए।